ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण शिव पुराण सुना रहा हूँ। आज हम सातवां अध्याय इसकी शुरुआत करते हैं। विवादाग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वह पीले रंग का था। उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव की नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। तो ये कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उनका जन्म किस तरीके से हुआ। मेरे चार मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पूर्ण ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोष को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या का करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब चार भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम क्रांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीताम्बर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच एक ज्योतिमय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। मतलब एक हम दोनों की जब लड़ाई हो रही थी तो एक स्तंभ प्रकट हुआ, विष्णु भगवान उसका अंत नीचे या आरंभ का पता लगाने लगे और जो ब्रह्मा जी है वो ऊपर से उसको पता लगाने लगे। लेकिन वो दोनों थक गए, फिर भी उनको उस स्तंभ का जो है छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों अपनी उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर हमें कुछ ज्ञात न हो सका।
तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप के दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। 8वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। इस 8वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि जो ब्रह्मा जी है और विष्णु भगवान है, उनको भगवान शिव के दर्शन कैसे हुए। बहुत ही ध्यान से इस शिव पुराण को सुनना। शिव पुराण को सुनने मात्र से आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको पढ़ने से मिलता है। शिव पुराण को सुनने से आपको इस भव्य संसार से जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव को स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रति पालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहां से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाथ का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था। सत्य आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म प्रायण की दृष्टिगोचर हो गया था, परंतु यह कहां से प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई है, यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्व आत्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र है, परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण आनंद अकृत कृत प्रातपर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरे अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव
बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं, उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं, महेश्वर बीजी बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। यह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला स्वर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्ग लोक उत्पन्न हुआ, तथा कपाल के नीचे के भाग से पांच तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही अ उ व म त्रिविध रूपों में वर्णित है, इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शांति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान शिव ने विष्णु ने एक अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा, जिसके पांच मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवन परम कांतिमय अनेक आभूषणों से विभूषित महान उदार महावीर्यमान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। अकार उनका मस्तक और आकार ललाट है, इकार दहिना और इकार बाया नेत्र है, उकार दाहिना और उकार बाया कान है, रिकार दाया और रिकार बाया गाल है, ल ली उनकी नाक में छिद्र हैं, एकार और एकार दोनों उनके दोनों होठ हैं, ओकार और ओकार उनकी दांतों की दोनों दंत पत्तियां हैं, अ और अह देवादि देव शिव के तालु हैं, क आदि पांच अक्षर उनके दाहिने पांच हाथ में और च आदि बाएं पांच हाथ हैं, त और ट से शुरू पांच अक्षर उनके पैर हैं, पकार पेट है, फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है, बकार कंधा, मकार हृदय है, हकार नाभि, य से स के सात अक्षर सात धातुएं हैं, जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें पांच कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसी महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामुनि का साक्षात्कार हुआ। इन पांच मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशो के मुकुट मणि ईशान है, जो पूरा तत्व पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो
सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी और हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वीरदायक शिव को मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। अब हम नवमा अध्याय अध्ययन करेंगे, देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकृत्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा दी गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमयी शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ आभूषणों से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने पूर्ण उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले तथा भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए, कृपया कर हमें बताएं तथा सदुपदेश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान शिव ने प्रतिपूर्वक यह बात की। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो, मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भगत विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपके अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि पालन एवं संहार करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण एवं निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परम ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर तीनों रूपों में विभुक्त हूँ। ये भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हम में कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे, इसमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है
तथा सभी को मूलभूत रूप है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है, ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भुकुटी से प्रसन्न होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो, श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएगी तथा काली नाम से भी तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी, वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योतिमय में प्रकट होगी। उनका कार्य सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि तीन गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में प्रकट होता हूँ। तीन लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तपोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों देवताओं में गुण है तथा शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो, ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे। अब जो अगला अध्याय है, दसवां अध्याय, वो हम अगले दिन इसका अध्ययन करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।